हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एकेडमी चैनल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं, कंपटीशन मैथ को आज कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि हम पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए थे, करंट अफेयर हमारा मंडे से आने वाला था जो कि आ चुका है। आप यदि देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं जाकर के। हमारा करंट अफेयर आज से स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यूअस रेगुलर बेसिस पे आते रहेगा। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। और इससे पहले आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ साथ में पुराने वीडियो को आप देख लेंगे जा करके, तभी ये आगे समझ में आएगा आपको अच्छा तरह से। तो और इससे पहले ये भी है कि हमारा बेसिक मैथ भी चलता है। यदि बेसिक प्रॉब्लम है आपको तो बेसिक क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, बेसिक मैथ हमारा चलता है। तो बेसिक मैथ को आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम ये आज कंपटीशन मैथ को। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट वगैरह कीजिएगा, और जैसा भी लगेगा बताइएगा हमको किस तरह का लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन लिए हुआ है ये इस तरह का लिए हुआ है। आप देख सकते हैं कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन दिया हुआ है। हमसे पूछा गया x पावर 30 प्लस एक्स पावर 21 प्लस एक्स पावर 18 प्लस एक्स पावर 15 प्लस एक्स पावर 12 इक्वल टू प्लस एक्स पावर 6 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्स नहीं रहेगा, सिर्फ वन रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। तो आप ऐसे देखेंगे तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन लगेगा, बहुत लेंथी लगेगा और समझ नहीं आएगा कि कैसे करें। तो इसका ट्रिक है, इसका किस तरह से करना है कि आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले हमको दिया हुआ है तो इसी से हम निकालते हैं, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो ये एक्स हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स होगा। एक्स स्क्वायर एक्स को इधर लाएंगे माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वन से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। इधर कितना था, जीरो, तो ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा इधर। लेकिन ये जो फॉर्मूला बन रहा है आप देख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का है, मतलब एक्स क्यू प्लस वन क्यू इज इक्वल टू ये जीरो इंटू समथिंग कुछ भी होगा, जीरो होगा इधर। मतलब फाइनली जो हमारे पास निकल के आया है वो एक्स क्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप एक्स क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स क्यू का वैल्यू जो आएगा वो माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक याद रखना है कि इस तरह से जहां भी आएगा तो इतना आपको करना नहीं है, सिर्फ क्या करना है ये आपको ध्यान रखना है कि एक्स क्यू का वैल्यू यहाँ पे माइनस वन होता है। कैसे होता है ये हम करके बता दिए, ये करने की जरूरत नहीं है, हमेशा एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जहां भी है तो यदि माइनस रहेगा यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स माइनस वन बाई एक्स रहेगा तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू प्लस वन हो जाता है। वो कैसे होता है हम ऐसा वो भी बता सकते हैं, बट यहाँ पे हम पहले इसको कर लेते हैं। अब जब हमारा ये वैल्यू निकल चुका है एक्स क्यूब का वैल्यू माइनस वन, तो हमको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। इसमें पुट हम कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एक्स पावर 30 है तो एक्स पावर 3 इंटू 10 कर सकते हैं इसको, प्लस एक्स पावर 3 इंटू 7 कर सकते हैं, प्लस एक्स पावर 3 इंटू 6 कर सकते हैं, प्लस एक्स पावर 3 इंटू 5 कर सकते हैं, प्लस एक्स पावर 3 इंटू 4 कर सकते हैं, प्लस एक्स पावर 3 इंटू 3 कर सकते हैं, 9 भी होता है, अब यहाँ पे 9 नहीं है तो 2 कर सकते हैं, प्लस एक्स पावर 3 तो है ही, प्लस 1। अब क्या करेंगे, एक्स पावर 3 का वैल्यू जहां जहां एक्स पावर 3 के माइनस 1 पुट करते जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस वन और इसका पावर सेवन रहेगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा, माइनस वन पावर सेवन रहेगा, प्लस माइनस वन पावर सिक्स रहेगा, एंड प्लस माइनस वन पावर फाइव रहेगा, एंड प्लस माइनस वन पावर फोर रहेगा, प्लस माइनस वन पावर टू रहेगा, एंड प्लस माइनस वन एंड प्लस वन। तो यहाँ पे तो वन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे भी वन हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वन सॉरी प्लस वन होगा ये, और ये माइनस वन होगा, और यहाँ पे फिर से माइनस वन के बाद प्लस वन रहेगा, और ये भी प्लस वन रहेगा, और यहाँ पे माइनस वन एंड प्लस वन। तो देख सकते हैं ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ वन प्लस वन टू। तो इस तरह से आप आंसर बता सकते हैं इसका, टू होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इतना करने के यहाँ पे क्या करना है, इस तरह का रहेगा तो एक्स का वैल्यू माइनस वन ले लेना है, माइनस वन सब वैल्यू पुट करते जाएंगे, और उतना उतना भी नहीं करना है, जहां पे इवन देखेंगे प्लस वन होगा और जहां पे देखेंगे वहां पे माइनस होगा। तो आप देख सकते हैं ये माइनस प्लस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस वन तो कट जाएगा, फिर इसको देखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस होगा ये भी कट जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों प्लस है तो दोनों नहीं कटेगा, यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ कट जाएगा, तो यानी कि
दो ठो वन बचेगा नहीं, 1 + 1 2 डायरेक्ट आंसर बता सकते थे, उतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आगे और क्वेश्चन लेते हैं। तो उसके बाद का क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे हम उतना प्रोसेस नहीं करेंगे, इसको कैसे शॉर्ट में करना है यहाँ पे पता है कि इस तरह का वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यू इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स क्यू इक्वल टू माइनस वन हो गया तो हमको क्या करना है, जहाँ पे ऑड है वहां पे माइनस वन रखेंगे, और जहाँ पे इवन है वहां पे प्लस वन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ऑड है तो ऑड के लिए क्या होगा, माइनस वन, ये भी ऑड है तो यहाँ पे माइनस वन, ये इवन है तो प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे ऑड है माइनस वन होगा, यहाँ पे इवन है प्लस वन होगा, यहाँ पे भी इवन है प्लस वन होगा, यहाँ पे भी इवन है प्लस वन होगा, और यहाँ पे माइनस वन एंड प्लस फाइव है। तो अब इसमें देख सकते हैं ये कट गया, इधर से ये कट रहा है, अब देख सकते हैं कि ये और ये दोनों भी कट रहा है, दोनों माइनस में है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, फाइव बच रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, फाइव। तो अब देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा इसको, 2 से 4 सेकंड में आंसर बन के तैयार हो जाएगा, बन जाएगा आंसर, निकल जाएगा तुरंत। इसे और शॉर्ट में कर सकते हैं आप, डायरेक्ट कट करते जाएंगे और उसके बाद ये फाइव लास्ट में बच रहा है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आप स्क्रीन शॉट इसको ले सकते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है ऐसा लिए हुए, एक्स प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू वन है, और हमसे पूछा जा रहा है एक्स पावर 12 प्लस वन बाई एक्स पावर 12 इजिकल टू क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या करना है, एक्स पावर 3 का वैल्यू हमारा 1 - 1 लेना है, ये तो पता है आपको कि इसे कैसे आता है। अब यहाँ पे इसमें हमको कैसे पुट करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 12 को लिख सकते हैं, एक्स पावर 3 प्लस 1 12 4 एंड एक्स पावर 3 इंटू 4 ये लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे -1 पावर 4 एंड +-1 पावर 4, तो आप देख सकते हैं ये 1 होगा और यहाँ पे भी 1 1 बाई 1, यानी कि कितना 1 + 1 2 आंसर हो जाएगा। तो आप इतना करने की जरूरत नहीं, अब देखते हैं साथ आंसर बता सकते थे कि यहाँ पे क्या है, -1 है तो इवन पावर है तो इवन के लिए +1, यहाँ पे +1 था यानी 1 बाई 1 1, यानी 1 + 1 2 डायरेक्ट आंसर बता सकते थे। तो 1 सेकंड 2 सेकंड किया क्वेश्चन था, आप तुरंत आंसर बता सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और भी इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ और पावर हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे सपोज कर रहे थे कि x+1 = 1 दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है एक्स पावर कुछ भी यहाँ पे ले लेते हैं 23 एंड +23 नो 21 ले लेते हैं, यहाँ पे 27 लिख सकते हैं। और क्वेश्चन जब भी देगा तो वो 3 के मल्टीपल में ही देगा, ऐसे नहीं देगा, आज पटांग क्वेश्चन नहीं देता है, 3 के मल्टीपल में देगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है अब देख सकते हैं कि फिर से एक्स क्यू का वैल्यू -1, तो ये क्या है, इवेन है तो सॉरी ऑड है, ये भी ऑड है तो -1 होता, और यहाँ पे -1 होता है यानी -1 - 1 - 2 हो जाता है आंसर। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, यदि ऑड पावर है तो वहाँ पे -2 आंसर होगा, और यदि इवन पावर है तो +2 आंसर होगा, सिर्फ यही दो आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन जहां भी पूछा जाएगा, यानी x+1/x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और कुछ कोई भी पावर हो तो इवन होगा, 3 के मल्टीपल में रहेगा, हमेशा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 3 के मल्टीपल में ही रहता है, अदर क्वेश्चन पूछेगा तो उसका अदर ट्रिक होगा, हम बताएंगे यहाँ पे। और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे 3 के मल्टीपल, इसका जो पावर होगा वो 3 के मल्टीपल में ही होगा। ठीक है, तो अब उसको क्या देखना है कि ऑड है कि इवन, यदि ऑड है तो -2 आंसर लिख देना है सीधा, यदि इवन है तो +2 आंसर लिख देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ट्रिक, क्या आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए, वो भी 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसके बाद का जो क्वेश्चन लिया हम इस तरह से लिया, x+1/x = 1 है, और x^15 + 1/x^15 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 के मल्टीपल में भी है ये, 5 3 5 15 हो रहा है, और ये ऑड है, तो ऐसे क्वेश्चन लिए हम क्या बताते हैं कि आंसर कितना होता है, -2। इसका बिना सोचे समझे सिर्फ डायरेक्ट आंसर -2 लिख देना है। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, वही क्वेश्चन है, ये जो है इवन दिया हुआ है, उसके साथ साथ ये 3 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 14 जो होता है वो 3 के मल्टीपल में नहीं होता है, तो पावर जब 3 के मल्टीपल में नहीं होता तो यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इस तरह से करेंगे, इसको लिख सकते हैं x^12 × x^2 + 1/x^12 × x^2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो x^12 है तो आप देख सकते हैं कि x^12 मतलब कि इवन पावर है, और यहाँ भी इवन पावर है 3 के मल्टीपल में है, जब 3 के मल्टीपल में है तो यहाँ पे इवन पावर लगे क्या रखते हैं, +1 रख देते हैं, तो यहाँ पे यदि हम क्या करेंगे, +1 रखते हैं, 1 × x^2 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पे भी 1 × x^2 हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा जो बन के आएगा वो ये आएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, x+1 x+1/x वैल्यू दिया हुआ है, x² + 1/x² यदि हमको निकालना हो
तो हम ऐसे किसके लिए क्या करते हैं, तो ऐसे किसके लिए जो हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है उसमें से उसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर करते हैं और माइनस टू कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस टू कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, वन माइनस टू यानी माइनस वन। तो इस तरह से आपको आंसर बता करना है, इस तरह का जो ये इसका ट्रिक जो था हम बहुत पहले ही कर चुके हैं, पिछले वीडियो में सारा किया हुआ एक्सप्लेन, तो आप पिछले वीडियो को आप जाकर देख करके देख लें तो ये पूरी तरह समझ में आएगा कि हम कैसे डायरेक्ट वन में से इसको इसका रिजल्ट से स्क्वायर करके माइनस टू कर देते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है और एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस तरह के है। यहाँ भी आप उस तरह से देख सकते हैं कि ये इवन तो जरूर है लेकिन थ्री के मल्टीपल में नहीं है, तो थ्री के मल्टीपल में नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इसको सबसे पहले उस तरह से करते हैं, एक्स पावर 18 इंटू एक्स पावर 12 टू लिख सकते हैं, एक्स पावर 18 इंटू एक्स पावर 2। तो देख सकते हैं कि 18 जो है 3 के मल्टीपल में है और ये भी 3 के मल्टीपल में है, तो यहाँ पे और ये क्या है, ऑड है सॉरी इवन है, तो इवन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्लस 1। यहाँ पे 1 इंटू एक्स पावर 2 हो जाएगा एंड प्लस 1 बाई एक्स पावर 2 1 इंटू एक्स, तो यानी फाइनली जो हमारा आ गया वन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, जबकि इस तरह से क्वेश्चन बना बना सकते हैं, बनाना है आपको, जो बेहद ही आसान तरीका लगेगा आपको। ठीक है, ये ट्रिक है, तो चलते हैं और क्वेश्चन हम लेते हैं इस पर। तो उसके बाद का जो क्वेश्चन हम ये लिए हुए थे, हालांकि इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम लिए हुए थे लेकिन उस समय नहीं ले पाए थे, हम इरेज कर दिए थे क्योंकि हम दूसरा कॉन्सेप्ट ले रहे थे। तो इस तरह का क्वेश्चन है, यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू वन दिया हुआ और पूछा जा रहा है एक्स पावर 23 प्लस वन बाई एक्स पावर 23, तो इसका वैल्यू यदि फाइंड आउट करना है तो जिस तरह अभी बताए हैं इस तरह का क्वेश्चन क्या करते हैं, इसको हम आप इसको लिख सकते हैं 21 इंटू एक्स पावर 2 एंड प्लस 1 बाई एक्स पावर 21 इंटू एक्स पावर 2। तो आप देख सकते हैं कि ये 7 3 के मल्टीपल में है और 3 के मल्टीपल में के साथ साथ ये ऑड है, तो ऑड के लिए क्या करते हैं, माइनस 1 पुट करते हैं, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली जो आएगा वो इस तरह से आएगा कुछ, तो माइनस तो कॉमन हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू हम निकालते हैं क्या, जो वैल्यू दिया है उसमें से 1 माइनस करते हैं माइनस 2 करते हैं, तो यहाँ पे माइनस रहेगा 1 माइनस 2 यानी कि कितना आ जाएगा, ये माइनस के साथ साथ एक माइनस 1 यानी कि प्लस 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे नेगेटिव है डायरेक्ट, आप देख सकते हैं कि माइनस आएगा तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल आंसर माइनस 1 हो रहा था तो माइनस 1 एक आंसर होता है, माइनस पहले से था तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और चलते हैं इस तरह के और भी क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। जैसे आपके पास ऐसा दिया हुआ है कुछ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है क्या कि एक्स पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं प्लस 1 का क्यूब, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना होता है, ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी पावर 4 हो जाएगा और माइनस बी होता है बी ए बी, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो इतना वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होगा इसका, इसका वैल्यू तब कर सकते हैं भले, तो हम इसको क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करना है आपको इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है, बताया जा रहा है वरना प्रैक्टिस रहेगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में कर लेना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो फाइनली आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो आ रहा है वो 3 माइनस 2 इज माइनस 1 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स पावर 4 एंड प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कितना आ रहा है एक्स पावर 4 प्लस 1 आई थिंक विजिबल है इज इक्वल टू कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो इससे हमारा जो निकल के आ रहा है एक्स पावर 4 और एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वैल्यू है हमारा। तो ये वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू हमारा 0 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं आप, यदि ऐसा क्वेश्चन दिया है और ये दिया है तो डायरेक्ट भी आप आंसर बता सकते थे। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, इतना कैलकुलेशन अभी कर लिए, लेकिन एक बार कैलकुलेशन करना है, दो बार कैलकुलेशन करना है, दो तीन बार करने के बाद आपको उसको ध्यान रखना है कि इतना करने से हमारा इतना आता है, ऑब्वियसली 100% ध्यान रहेगा। वैसे दो तीन को इस तरह का क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको
ये ट्रिक याद हो जाएगा और आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या करना है कि जीरो लिख देना है। जहां भी एक्स पावर सिक्स प्लस ये दिखेगा तो क्या करना है, जीरो लिख देना है। जैसे यही वाला हमारा दिया हुआ था, दिया रहता कि एक्स पावर इस तरह से रहता 12 एंड -1 ऐसा रहता। तो आप क्या करते हैं इसको इस तरह से करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ये हो जाएगा एक टू और एक टू हो जाएगा ये, तो हमारा इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू पूरा जीरो हो जाएगा। तो उतना देखने की जरूरत नहीं है, यदि हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स प्लस 1/x का वैल्यू √3 है और हमसे पूछा जा रहा है ऐसा कुछ वैल्यू जिसका मल्टीपल कितना है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 6 प्लस 1 कुछ भी उतना जितना बड़ा नंबर दिया, फैक्टराइज करने के बाद यदि ये फैक्टर ये आता है कैसे हूं, तो वहां पे उसका वैल्यू सीधा जीरो लिख देना है क्योंकि इसका वैल्यू जीरो होगा। क्यों होगा हम यहाँ पे बता चुके हैं, एक्सप्लेन करके इतना कैलकुलेशन करके आएगा, बट आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि इफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, ठीक है, देन एक्स पावर 6 प्लस 1 इज 0, ठीक है। तो आप इसको थ्योरम यानी कि कॉन्सेप्ट के रूप में याद रख कर सकते हैं, याद रखना होगा आपको, ध्यान रखना होगा, बस उसको डायरेक्ट लिख देना है आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों वगैरह में, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम और क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारा समझ में नहीं आएगा ऐसे क्योंकि इधर उधर करके बना दिए, बट वीडियो आप सीरियली आप देखेंगे, यदि नहीं समझ आएगा तो वीडियो रिवर्स करके देख लेंगे, तब आपको सिस्टमेटिक रूप से पता जाएगा कि हमें एक्सप्लेन किया है। स्क्रीनशॉट इसको लेने जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्रीनशॉट यदि लेते तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको वीडियो के साथ साथ में ही लिखते चलना होगा, ठीक है। तो कोई जरूरी भी नहीं है लिखना क्योंकि ऐसे भी आपका उतना दिमाग काम करना चाहिए कि क्या क्या हम किए हैं, वो हम सिर्फ मैनुअली कैलकुलेशन के लिए बताते हैं, ना कि सब कुछ छापने के लिए बताते हैं, ठीक है। कॉपी पेन में आप छापते रहेंगे तो कॉपी पेन से दूर हटने का आदत नहीं रहेगा, और जब तक कॉपी पेन से दूर हटने की आदत नहीं है तब तक कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते, हम बहुत बार बोल चुके इस बात को, ठीक है। तो चलते हैं हम और क्वेश्चन इस पे लेते हैं। तो उसके बाद का जो क्वेश्चन लिए हैं वो ये लिए हुए हैं, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है और एक्स प्लस 12 एक्स पावर 12 माइनस प्लस 1/x पावर 6 इज इक्वल टू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। और इस तरह से यहाँ पे आप बताए थे कि इस तरह के बहुत लेंदी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इस तरह से लगेगा कि बहुत लेंदी है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी हम बता देते हैं। तो ये वैल्यू फिर से हमारा पता हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 को कॉमन करते हैं एक्स पावर 6, तो यहाँ पे बचेगा कितना हमारा, ये बच जाएगा, ठीक है। तो एक्स पावर 6 और इसका वैल्यू तो आप जानते हैं कि 0 होता है, यानी कि अभी बताए हैं कि जस्ट एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, तो हमारा एक्स पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 इंटू एक्स पावर 6 इज 0। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 6 प्लस 1 का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आप देख सकते हैं कि एक्स पावर कुछ कॉमन करते हैं, यहाँ पे एक्स पावर 20 हम कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ पे हमारा जो बचेगा वो ऐसा बचेगा, प्लस इन दोनों से एक्स पावर 12 कॉमन कर लेते हैं तो एक्स पावर 6 प्लस 1 बचेगा, और इधर जो एक्स पावर 6 प्लस 1 जो था वो तो रहेगा ही। आप देख सकते हैं कि तीन टर्म है, तीनों में ये कॉमन है, ठीक है, तीनों में प्रेजेंट है, तो ऐसे टर्म को हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाकी का जो बचेगा हमारा एक्स पावर 20 प्लस एक्स पावर 12 एंड प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है 1। तो इसका वैल्यू देख रहे हैं 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी रहेगा यहाँ पे तो सब 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया 0, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे और भी ज्यादा लेंथी रहेगा, बस वहां पे क्या होगा ध्यान रखना है कि इस तरह का रहेगा तो जनरली जो एक्स पावर 6 प्लस 1 जो रहेगा उसका कॉमन फैक्टर होता है, सारे टर्म में प्रेजेंट रहता है, तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं, ऑब्वियसली सारे टर्म को जीरो कर देगा, यानी पूरे को जीरो कर देगा क्योंकि उसका वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। तो और भी क्वेश्चन इस पे इस तरह से पूछ सकता है, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 वैल्यू दिया हुआ है, हमसे इतना लंबा सारा एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है, एक्स पावर 66 प्लस एक्स पावर 60 प्लस एक्स पावर 48 प्लस एक्स पावर 36 प्लस एक्स पावर 30 प्लस एक्स पावर 24 प्लस एक्स पावर 12 प्लस एक्स पावर 36 प्लस 1 का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल से हम जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है, एक्स पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू 0 होता है, या फिर एक्स पावर 6 इज इक्वल टू -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स पावर 60 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस 6 प्लस 1 बचेगा, तो यानी ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद यदि बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी 0 हो रहा है क्योंकि एक्स पावर 30 कॉमन करेंगे तो एक्स पावर 6 प्लस 1 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी हमारा 0 हो रहा है, ठीक है।
इतना टर्म्स तो हमारा ऐसे ही वैनिश कर रहा है, दिख रहा है, तो हमारा कितना बच रहा है? यहाँ पे बचेगा एक्स पावर 48 एन प्लस एक्स पावर 24 एन प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर 6 कर दे, और 6 8 जब 48 होता है, और यहाँ पे हम भी 6 कर दे, तो 4 n+1, ठीक है। तो इतना होने के बाद आप देख सकते हैं एक्स पावर 6 का वैल्यू हमारा जो है -1 दिया हुआ है, तो -1 पावर पावर 8 हो जाएगा, एन प्लस -1 पावर 4 n+1। तो यहाँ पे देख सकते हैं इवन पावर है -1 का, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, n+1 तो कितना हो जाएगा, लास्ट में भी 1 था, तो 1 + 1 + 1 यानी 3, तो 3 हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक्स प्लस सिक्स का वैल्यू वो 0 होता है यदि वैनिश की जितना करता है उसको वैनिश करा देंगे, नहीं वैनिश कराता है तो वो क्या होगा, 6 के मल्टीपल में होगा। तो 6 के मल्टीपल में होगा तो 6 और एक्स पावर 6 का वैल्यू -1 रखते जाएंगे सब में, और जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा वो हमारा निकल जाएगा, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इससे पहले वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है, तो इस जो टॉपिक है यानी कि ये आज का क्लास जो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, इस क्लास आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट का जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक और जो भी ट्रिक होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो अगले वीडियो में हम लेके जल्दी ही मिलते हैं। तो तब तक के लिए हमारा पूरा वीडियो देखे होंगे तो कमेंट कीजिएगा किस तरह का लगा होगा, और लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों वगैरह के साथ में। और चलिए मिलते हैं हम जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।